तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी, मैं आमिर स्वागत करता हूं एनएम माइक्रो आइडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिससे आप चेक कर पाओगे कि घर का जो पानी होता है वो पीने लायक है या नहीं, और फ्रेंड हर घर में आरओ का भी पानी आता है उसका भी क्वालिटी और गुणवत्ता चेक कर पाएंगे कि वो क्या पानी अगला सही दे रहा है कि या नहीं। तो फ्रेंड इस डिवाइस को बना के अपने घर के पानी और आसपास का भी पानी चेक कर पाओगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी तो गाइस सबसे पहले हम मीटर का बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मीटर का बॉक्स बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा, जो कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसे मैं पहले से कट कर रखा हूँ। और फ्रेंड इसका जो साइज है 1.5 इंच का है और ये जो पाइप है 5 का है, यानी कि 5 इंच का है। आप इसके जगह पर 4 इंच का भी पाइप यूज कर सकते हैं या किसी और तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्लाई का टुकड़ा ले रहा हूँ और दोस्तों साथ में एक ब्लोअर का मैं यूज करूँगा, जो कि इससे पीवीसी पाइप को मैं हीट करूँगा बॉक्स बनाने के लिए। तो इस तरह से फैला के रखेंगे और तब तक ले रखेंगे जब तक ले ये ठंडा ना हो जाए। तो इस तरह से बनाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो कोर है थोड़ा कचरा टाइप का हो गया है, यानी कि ये ख़राब दिख रहा है। तो इसे हम बराबर कर लेंगे घस के, अगर चाहें तो आप इसे फाइल से घस के बराबर कर सकते हैं या सीस पेपर पे भी घस के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह का एक सीस पेपर का यूज करूँगा। तो इस तरह से फिनिशिंग देने के बाद दोस्तों अब दोनों साइड का हम कैप कट कर लेते हैं, यानी कि ढक्कन कट कर लेते हैं। तो किस तरह से हम कट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए फिर यहाँ पर मैं यूज करूँगा एक पीवीसी शीट का टुकड़ा और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर रखूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर से मार्कर से मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मार्किंग कर लिया हूँ। और दोस्तों इस तरह के दो पीस हमें चाहिए, तो इसको मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ और इस तरह से मैं दो पीस बना लेता हूँ। तो गाइस हमने दो पीस इस तरह के बना लिया है और इसको बनाते ही बॉक्स बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड ये जो बॉक्स है ये दोनों साइड का कैप हमने बनाया है, यानी कि ढक्कन। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में और साथ में जान लेते हैं कि हमें किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि फ्रेंड इसे मैं पहले से ही बना लिया हूँ और इसका डायोड का नंबर भी आपको डिस्प्ले पर शो करा दे रहा हूँ। आप इस तरह का डायोड यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड आपको ब्रिज रेक्टिफायर नहीं बनाना आता है तो इधर आपको डायग्राम मिल जाएगा स्क्रीन पर, आप इस तरह से देख के और ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं या यूट्यूब पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वीडियो देख के भी बना सकते हैं। और साथ में एक लेंगे फ्यूज होल्डर, जो कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस तरह का फ्यूज होल्डर जरूर यूज करना है इसमें, अगर आप इस डिवाइस को बनाते हैं तो। और साथ में लेंगे इस तरह का स्विच, जो कि फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैंने दो स्विच को एक साथ में जोड़ दिया है, यानी कि चिपका दिया है। इसका जो कोर होता है तो इसका कोर मैंने सीस पेपर से घस के और स्विच को एक साथ में चिपका दिया। तो मैंने इस तरह के स्विच क्यों बनाया है आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। और साथ में दोस्तों सबसे मेन चीज़ हम लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 पीस पाइप का टुकड़ा लिया है, जो कि फ्रेंड 2 पीस अल्मीनियम का है और 2 पीस स्टील का है। और इसका जो साइज है 90 सेंटीमीटर मैंने रखा है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो पाइप यूज करना है स्टील का और अल्मीनियम का ही पाइप यूज करना है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे लेंगे कुछ इस तरह के नट बोल्ट, जो कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे नट बोल्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाले पीस को लेते हैं और एक साइड को हम बंद कर देते हैं। तो इस वाले पीस को यहाँ पे इस तरह से रखना है और अंदर के साइड से चिपका देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से एक साइड से बंद करने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, ये जो पाइप है फ्रेंड इसको इस तरह से हमें लगाना है। तो इसके लिए हमें मार्किंग कर लेना होगा, 2 पीस इस साइड में लगाना है, 2 पीस इस साइड में लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं मार्किंग कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब जो हमने मार्किंग किया है इसके जगह पे हम होल करेंगे और हमें होल इस तरह से करना है कि पाइप इसके अंदर चला जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हम होल कर लेते हैं। तो गाइस आप देखिए यहाँ पे कि मैंने अच्छे से इसको होल कर दिया है और पाइप लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पाइप इसके अंदर चला जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, 2-2 पाइप इस तरह से यहाँ पे लगाना है, कुछ इस तरह से यहाँ पे पाइप को लगा के फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर पाइप को फिक्स करने से पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो नट बोल्ट हमने लिए थे ये वाला,
इस नट को इसके अंदर लगा के हमें फिक्स करना होगा। तो फिक्स किस तरह से करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो नट को मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। नट को खोलने के बाद दोस्तों इस तरह से रखेंगे और इस नट पे कुछ इस तरह से इस पाइप को रखना है, ठीक है, और किसी चीज़ से इस तरह से ठोक के हमें नट को इसके अंदर कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नट को अच्छे से लगा के फिक्स कर दिया है। अब ये जो बोल्ट है लगा के इसको निकालने के बाद ये नहीं निकलेगा, तो ये हमारा काम फाइनल हो गया। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक स्टील का पाइप लेंगे यहाँ पे और एक अल्मीनियम का पाइप लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से पाइप को लगाएंगे और सुपर ग्लू से चिपका लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मजबूती के लिए मैं थोड़ा सा पाउडर का हेल्प लूँगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेत या किसी और चीज़ का भी हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पाउडर को लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं सुपर ग्लू से इसे चिपकाऊँगा, ठीक है। तो हमने एक पाइप को इस तरह से फिक्स कर लिया है। इसी तरह से चारों पीस को हमें फिक्स करना होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि एक स्टील का पाइप और एक अल्मीनियम का पाइप हमें लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। तो एक मैं अल्मीनियम का पाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल बराबर में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम एकदम बराबर में रखेंगे और इसको भी चिपका लेते हैं। तो गाइस हमने पाइप को तो फिक्स कर लिया है लेकिन अभी भी मजबूती की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एमसील का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 रुपये में मिल जाता है और अंदर के साइड से एमसील लगा के हमें अच्छे तरह से फिक्स करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाइप के अंदर खाली है इसको भी हमें बंद करना होगा, नहीं तो जब हम पानी को चेक करेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इससे ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इसका जो मुँह है हम बंद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसमें 2 पीस होते हैं इस तरह के, तो इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से रड को फिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्यूज होल्डर है इसके लिए भी यहाँ पे हम होल करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहीं पे हम लगाएंगे क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहीं पे जगह है, तो इसलिए यहाँ पे हमें होल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से होल कर लेता हूँ, उसके बाद इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। तो लीजिए दोस्तों सभी कंपोनेंट को हमने अच्छे से लगा लिया है और फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने होल भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हम पावर केबल को बाहर निकालेंगे। और इसके जो ऊपर के कैप है इसमें हमने स्विच को लगा के फिक्स कर दिया, आप देख सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे एक होल भी कर दिया है जहाँ पे हम इंडिकेटर बल्ब लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 4 इस तरह का वाशर लेंगे। आप चाहें तो कोई सा भी वाशर ले सकते हैं जिसमें आप सोल्डिंग कर पाएँ। तो ये वाला जो स्क्रूप हम लगाए हैं इसको खोल के वाशर को हम लगा के इसमें टाइट कर देंगे पहले, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से वाशर को लगा लेना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैं वाशर को किस तरह से लगाया हूं। अब दोस्तों साथ में एक पावर केबल लेते हैं, तो कुछ इस तरह का मैं एक पावर केबल यूज कर रहा हूं और इसको यहां से मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। तो दोस्तों कनेक्शन करने के लिए मैं कुछ वायर का टुकड़ा लेता हूँ और आप देख सकते हैं 2 कलर का वायर है। तो फ्रेंड जो रेड कलर का वायर है उसे आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फ्रेंड आपको पता ही है कि यहाँ पे जो बीच वाला 2 रॉड लगा है वो अल्मीनियम का रॉड है, तो इसको आपस में कनेक्ट करना है। तो चलिए इसे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। अब इसको कनेक्ट करने के बाद दूसरे वाला अल्मीनियम का जो रॉड हमने लगाया है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लिया है। उसी तरह से ये जो स्टील का रॉड है इसको भी आपस में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। जो पावर केबल का रेड वाला वायर है उसे फ्यूज होल्डर के किसी भी टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे और इसका कनेक्शन बिल्कुल ईजी है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, वैसे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब एक और वायर का टुकड़ा लेंगे और फ्यूज होल्डर के दूसरे टर्मिनल में इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब ये जो रेड वाला वायर बच जाता है और एक पावर केबल का ब्लैक वाला, इसे स्विच के दोनों टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। तो एक एक करके दोनों टर्मिनल में हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। अब
दोस्तों दो वायर का और टुकड़ा लेते हैं और आप देख सकते हैं स्विच का दो टर्मिनल खाली है, तो इसमें हम दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी आप कमेंट में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ, तो इस वाला वायर को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर को लेते हैं और आप देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का ये प्लस का पॉइंट है और ये माइनस का पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो रेड वाला वायर हम कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस वाला टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है, तो अच्छे से सोल्डिंग करना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू वाला वायर है उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस वाला टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो स्विच के दो आउटपुट के वायर आ रहे हैं उसे हम ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया और ये हम दूसरा वाला वायर को भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरह का एक इंडिकेटर लेंगे और आप देख सकते हैं स्विच के दो टर्मिनल है आउटपुट के, इन्हीं दो टर्मिनल पे इस इंडिकेटर को हमें कनेक्ट कर देना है। तो गाइस इसका कनेक्शन यहीं पे पूरा हो जाता है और आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर है मैंने बिल्कुल होल के सामने लगाया है, ठीक है, जिससे बाहर की तरफ दिखाई देगा। तो चलिए इसका कनेक्शन फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का वायर है उसे मैंने स्टील वाला रड से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और इधर से आके फिर दूसरे वाला जो स्टील वाला रड है उससे कनेक्ट हो चुका है। फिर इधर से निकल के जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस वाला टर्मिनल है यहाँ पर इससे मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से जो अल्मोनियम वाला रड है उसमें मैंने रेड कलर का वायर कनेक्ट किया था, तो इधर से आके दूसरे वाला रड से कनेक्ट हो चुका है। फिर इधर से निकल के ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस वाला टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पावर केबल यूज किया उसमें भी दो वायर है, आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का है और एक रेड कलर का है। तो जो रेड कलर का वायर है वो सीधे जाके फ्यूज वाला होल्डर के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, फिर दूसरे टर्मिनल से होके स्विच के एक टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। फिर इधर से निकल के ब्रिज रेक्टिफायर के दूसरे वाला टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट है, इस वाला टर्मिनल से, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का वायर है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे आके स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है और इधर से निकल के ब्रिज रेक्टिफायर के इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका कनेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसका जो ऊपर का कैप है इसको भी लगा के हम फिक्स कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा जो स्विच का टर्मिनल है वो ब्रिज रेक्टिफायर से कनेक्ट ना होना चाहिए, यानी कि टच ना होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसे सावधानी पूर्वक हम इसका जो ऊपर का कैप है लगा के फिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसे फिनिशिंग देना अभी बाकी है। आप देख सकते हैं दिखने में भी गंदा दिख रहा है और इसका जो कोर ओर है वो भी बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इस तरह का फाइल यूज करके सबसे पहले हम इसे घस के फिनिशिंग दे देंगे, उसके बाद इसे मैं कलर कर लेता हूँ। तब तक ये वीडियो में बने रहिएगा और इसे पेंट करने के बाद मैं आपको फुल टेस्टिंग भी कराऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। तब तक आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो भाई लोग TDS मीटर बनके रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने चैनल का लोगो भी लगा रखा है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल दिख रहा है। तो फ्रेंड ये लोगो बताना कि किस तरह से आपको लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड इससे अब हम यूज में ले सकते हैं और इससे पानी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसे यूज करने से पहले मैं आपको बता दूँ इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि इससे हमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पावर केबल है ये देख के आपको पता चल गया होगा कि 220 वोल्ट AC पे वर्क करेगा। तो फ्रेंड जब हम इसमें सप्लाई दे देते हैं तो इस रॉड को हमें टच नहीं करना है, अगर इसे हम टच करेंगे तो हमें बिजली का झटका लगेगा और ज़्यादा डेंजर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये जो फ्यूज हमने लगाया है, अगर ये आप डिवाइस बनाते हैं तो ये फ्यूज भी लगाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। तो आप चाहें तो कोई और सा भी फ्यूज लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह का फ्यूज यूज करें, ठीक है। तो चलिए मैं इससे आपको पानी टेस्ट करके दिखा देता हूं। अब देखिए यहां पे मैंने दो गिलास में पानी ले लिया है, तो एक RO का पानी है और एक मेरे घर का पानी है, ठीक है। तो चलिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो ग्लास है ये RO का पानी है और ये मेरे घर का पानी है, ठीक है। तो इसे मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो इस तरह से इसमें मशीन को मैं डाल लेता हूँ। और फिर एक बात और बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो एक ही गिलास का पानी इस तरह से चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको दो गिलास यूज करना। और हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि जब भी आप पानी टेस्ट करें तो या प्लास्टिक के गिलास में पानी लें या कांच के गिलास में पानी लें, ठीक है। स्टील का गिलास नहीं यूज करना है। तो इस तरह से मैं इसको डाल लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड है, तो इसमें मैं प्लग को इंसर्ट कर देता हूँ। तो चलिए इस तरह से मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, और स्विच को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरे घर का पानी है उसमें आपको अंतर दिख रहा होगा, लेकिन जो आरओ का पानी है उसमें कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और भी बात बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो रॉड है वो काम नहीं कर रहा है और इधर वाला काम कर रहा है। तो चलिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक्सचेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो स्विच है, दोनों स्विच को एक साथ हमें ऑफ़ करना होगा, ठीक है। और इसको मैं प्लग देता हूँ, और इस पानी में कोई सभी केमिकल वेमिकल नहीं मिलाया गया है, ठीक है। ये जो डिवाइस है 100% वर्क करता है। तो इस तरह से मैं एक्सचेंज कर दिया हूँ और फिर मैं स्विच को ऑन करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे आप कमाल देखिए, बस आपको 2 मिनट लगेगा चेक करना, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, अगर आप इस तरह से पानी चेक कर रहे हैं तो आपको इसमें उंगली नहीं लगाना है, नहीं तो आपको बिजली का झटका लगेगा। तो चलिए 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। तो चलिए 1 मिनट हो गया, इसे हम ऑफ़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये दोनों स्विच को हमें ऑफ़ करना होगा, ठीक है। और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं आपको कमाल दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। तो गाइस अब यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे घर का पानी है और आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा कचरा दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस पानी का यूज नहीं करते हैं पीने के लिए, इसलिए हम बाहर का पानी मंगाते हैं आरओ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आरओ का जो पानी है इसमें कोई सा भी कचरा आपको नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और एक कमाल और दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो घर का पानी है इसमें मैं उंगली को डाल नहीं सकता क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हीट है, लेकिन दोस्तों इस वाले पानी में मैं उंगली को डाल सकता हूँ, उंगली नहीं जल रही है। तो ये रहा कमाल, ठीक है। तो इस तरह से आप पानी का टेस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड ये जो डिवाइस है 100% वर्क करता है। तो इस तरह से आप डिवाइस को बना के यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।